हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में। हम लोग अपने पिछले दो वीडियो में प्रश्नों की कुछ श्रृंखला लेके चल रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से लिए हुए हैं। ठीक है, लगभग मैंने अब तक आपको 40 क्वेश्चंस आपके सामने रख चुके हैं जो कि वर्णमाला से रिलेटेड हैं। एग्ज़ाम में वर्णमाला से रिलेटेड जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, मैंने लगभग कोशिश की है कि आपके सामने वो हर टाइप से क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश की है। आज भी हम लोग वर्णमाला से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के क्वेश्चन देखेंगे, वो पिछले कुछ क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हैं, थोड़ा सा लेवल उससे ऊपर है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे क्वेश्चन थे वो उच्चारण स्थानों से रिलेटेड थे, लेकिन आज के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। ठीक है, आज आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देख के खुद ही लगेगा क्वेश्चन का लेवल पिछले दो वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का मूल आधार है, मौखिक भाषा का मूल आधार है। इस क्वेश्चंस को आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है वो बस तरीका दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, मौखिक भाषा का मूल आधार। तो हम क्या पढ़े हैं कि वर्ण भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है, लेकिन वो लिखित होती है, और एक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है जो मौखिक होती है। मौखिक यानी जिसको सिर्फ हम बोल सकते हैं या सुन सकते हैं, उसको हम लिख नहीं सकते। जैसे किसी तरीके की अगर हमें आवाज़ सुनाई देती है तो वो क्या होती है, वो ध्वनि, यानी वो सिर्फ मौखिक है, ना कि लिखित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है मौखिक भाषा का मूल आधार। मौखिक भाषा का मूल आधार यानी हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि, राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ध्वनि। मौखिक भाषा का मूल आधार पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई। पहले क्वेश्चन में आपसे मौखिक भाषा के लिए पूछा है और दूसरे क्वेश्चन में लिखित भाषा के लिए। तो लिखित भाषा का मतलब जो ध्वनि हम सुनते हैं अगर उसको हम लिखित रूप दे देते हैं, उसको हम लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, लिखित रूप में हो जाता है। तो लिखित रूप में हम किसको, हम वर्ण को देख सकते हैं, यानी वर्ण जो हम लिखते हैं, जैसे अ हो गया, आ हो गया। ठीक है, बाकी के जो हमारे स्वर व्यंजन हो गए हैं वो क्या होते हैं, वो वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा की जो लघुत्तम इकाई हो जाएगी वो वर्ण हो जाएगी। ओके, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में, यानी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मात्र, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें किसमें र व्यंजन नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि र को हम तीन तरीके से जानते हैं। र कैसे होता है, एक तो इसको हम बोलते हैं रेफ र, इसको बोलते हैं पदेन र। ठीक, और एक होता है हमारा ऋषि र, जिसका रूप इस तरीके से होता है। ठीक है, जिसका रूप इस तरीके से होता है। तो हम देख लेते हैं कि किसमें र नहीं है, मात्र अगर हम त्र का संधि विच्छेद करें, त्र का अगर संधि विच्छेद, तो हम जानते हैं कि त्र कैसे बनता है, आधा त प्लस र से। तो इसमें क्या हो गया, हमें र मिल गया, तो ये नहीं होगा। पूछ रहा है कि र व्यंजन किसमें है। ठीक है, अगला है मूर्धा। मैंने आपको बताया कि र का एक रूप ये भी होता है जिसको हम रेफ र बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें र मिल गया, यानी ये जो इसका रूप है वो र का है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है क्रम। मैंने आपको बताया कि र का एक रूप होता है नीचे, जो पैरों के पास लगाया जाता है, यानी किसी भी शब्द के नीचे, यानी नीचे लगाया जाता है, इसको पदेन र बोला जाता है। तो ये भी एक र का ही रूप है। ठीक है, ये भी एक र का रूप है, तो इसमें भी हमें र मिल गया, तो ये क्या होगा, हमारा ये आंसर नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, मातृभूमि
मात्र भूमि, तो इसमें क्या हो जाएगा, मात्र, हम री को देखते हैं, री को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, री को हम वर्ण के नीचे लगाते हैं, वर्ण के नीचे लगाते हैं, री का रूप कुछ इस तरीके से होता है, तो हमें क्या मिल गया इसमें, यानी इसमें ऋषि वाला री है, न कि इसमें र है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। मात्र में आपका र व्यंजन है, मूर्धा में भी र व्यंजन है, क्योंकि र का जो रूप है वो रेफ के रूप में है, क्रम में भी पदेन र है, लेकिन मातृभूमि में र नहीं है बल्कि री है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको र के तीनों रूप बता दिए, एक होता है रेफ र, एक होता है पदेन र, और एक होता है ऋषि र। ये जो होते हैं आपके र के ही रूप होते हैं, लेकिन ये जो होता है वो ऋषि ऋषि होता है, ठीक है, जो हमारे मूल स्वर में आता है। तो हमारा तीसरा का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में, ऊपर पूछा है किस शब्द में र नहीं है, और नीचे के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है, यानी इसमें आपको बताना है कि किस में री नहीं है। देखिए कृपा, मैंने आपको बताया कि री का रूप किस तरीके से लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से। तो हम हमारे पहले शब्द में क्या है, री है, ये नहीं होगा। दूसरे शब्द में भी ये नीचे वाला री है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है दृष्टि, तीसरा है दृष्टि, इसमें भी नीचे ऋषि वाला री है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, रिवाज, रिवाज इसमें क्या है, इसमें र है, ठीक है, इसमें क्या है, र है, तो ये हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे तीनों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में ऋषि वाले रिंग है, लेकिन चौथे ऑप्शन में र है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में उस व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में उस व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम स्वर या व्यंजन पढ़ते हैं, जब हम स्वर या व्यंजन पढ़ते हैं, तो हम व्यंजन को किस तरीके से लिखते हैं, व्यंजन को लिखते हैं इस तरीके से। ये क्या है, ये अभी स्वर रहित है, अगर इसमें एक हम स्वर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन को, पहला ऑप्शन जो है वो अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है हलंत, और चौथा है स्वर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, अगर हम किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाएंगे तो उसके नीचे हम क्या लगा रहे हैं, उसके नीचे हम हलंत लगा रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी हलंत। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, क्वेश्चन के एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य, स्वर तंत्रीय, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं द्वित्व, द्वित्व किसे कहते हैं, द्वित्व के क्या होता है, द्वित्व मतलब जिस शब्द में एक ही अक्षर या एक ही वर्ण दो बार आते हैं, जैसे जैसे हो गया पत्ता, जैसे हो गया बच्चा, जैसे हो गया कुत्ता, तो ये क्या है, ये दो एक ही वर्ण दो बार आए हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं द्वित्व, यानी एक शब्द में एक वर्ण दो बार आए तो उसे हम द्वित्व बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, यानी एक जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा और एक जो होगा वो स्वर सहित होगा, तो यहाँ पे हम मिलने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए तालव्य को पहले हम देख लेते हैं। तालव्य में, तालव्य एक उच्चारण स्थान है जिसमें
जिसमें च वर्ग आता है, जिसमें च वर्ग आता है। और स्वर तंत्री किसे कहते हैं वो हम जानते हैं, जो हमारे मुख में जो पांचों स्थान होते हैं उच्चारण स्थान के, उसे हम स्वर तंत्री बोलते हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो संयुक्ताक्षर हो जाएगा। कैसे, जैसे देख लीजिए, जैसे ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, जैसे ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, इसको जब हम टुकड़े करते हैं तो क्या होता है, क प्लस श। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से, हाँ, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से, तो ये क्या है हमारा, ये स्वर रहित है और ये क्या है, एक स्वर सहित है, जिसके नीचे हलंत न लगा हो, यानी उसमें एक स्वर मिला हुआ है। ठीक है, तो स्वर रहित व्यंजन के साथ जब स्वर सहित व्यंजन एक मिलेगा तो क्या बनेगा, संयुक्ताक्षर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, संयुक्ताक्षर बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा संयुक्ताक्षर। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि कहते किसको हैं, उत्क्षिप्त ध्वनि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड और एक होता है ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन को हम दो तरीकों से जानते हैं, उत्क्षिप्त को हम द्विगुण भी कहते हैं, उत्क्षिप्त को हम द्विगुण भी कहते हैं, इसको हम फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन, या इसी को हम ताड़न जात, इसको हम ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि उत्क्षिप्त ध्वनि को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसको द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, इसको फेंका हुआ व्यंजन भी बोला जाता है, और इसको ताड़न जात भी बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये एक होता है ड और एक ढ, ठीक है, जिसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों व्यंजन किस शब्द में हैं। आरजू इसमें नहीं है ढ, खसरा इसमें भी ये दोनों नहीं है, पढ़ाई में हमें क्या मिल गया, ये ढ मिल गया। ठीक है, जफर में देखिए इसमें भी नहीं है, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो गए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। एक चीज़ मैं समझा देती हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग हिंदी वर्णमाला में देखते हैं, एक होता है ड, एक होता है ढ, जो कि स्पर्शी व्यंजन में आते हैं, और एक होता है ड और एक होता है ढ, जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों स्पर्शी व्यंजन हैं, ये दोनों स्पर्शी हैं, और ये दोनों क्या है, उत्क्षिप्त है, ये दोनों क्या है, उत्क्षिप्त है। ठीक है, समझ लीजिए इन दोनों का प्रयोग कैसे होता है शब्द में। जो स्पर्शी व्यंजन में जो ड और ढ होते हैं, इनको सदा हमेशा प्रारंभ में रखा जाता है, यानी इनका प्रयोग हमेशा शब्द के प्रारंभ में होता है। ड और ढ का प्रयोग हमेशा शब्द के प्रारंभ में होता है, और ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या आखिरी में होता है। देख लीजिए कैसे, जैसे ये होता है, जैसे इसका अगर उदाहरण देखें तो हो गया डमरू, डफली, ठीक है, तो इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। ढ हो गया ढ से ढक्कन, ठीक है, इनका प्रयोग क्या होता है, शब्द के प्रारंभ में होता है, और इन दोनों का प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में होता है। जैसे पढ़ाई,
लड़ाई। तो ये क्या आ गए, ये हमारे शब्द के बीच में आ गए। तो ड और ढ जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनका प्रयोग हमेशा शब्द के प्रारंभ में होता है, और ये ड और ढ जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या आखिरी में होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में कौन सी बात गलत है। चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको। पहले तो हम सबसे पहले अपनी देख लीजिए, क ख ग घ और अंग, उसके बाद च छ ज झ और इय, फिर ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध और न, उसके बाद फिर प फ ब भ म। मैं चीज़ों को इतने डिटेल में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इसी जगह पे सारी चीज़ें, यानी सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण और वर्णों का उच्चारण स्थान, एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पूरे व्यंजन है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क से लेके म तक जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या क्या होती है, 25। अगर इनको आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, इनकी संख्या 25 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। सघोष और अघोष को देख लेते हैं पहले। अघोष जो हमारा होता है वो पहला और दूसरा, ये हमारा अघोष होता है। सघोष जो होता है तीसरा चौथा और पाँचवा, तीसरा चौथा और पाँचवा। उसके बाद से है अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण देख लेते हैं, पहला तीसरा और पांचवा, ये क्या होता है, हमारे अल्पप्राण होते हैं। चलिए चेक करते हैं। ध पूछ रहा है, ध सघोष महाप्राण और दंत व्यंजन। देखिए ये हमारा होता है कंठ, ये होता है तालु, ये होता है मूर्धा, ये होता है दंत और ये होता है ओष्ठ। ये पांचों उच्चारण स्थान आपके सामने हैं, ध सघोष महाप्राण और दंत। ध को चेक करते हैं, ध किस में आ रहा है आपका, ध आता है दंत में। ठीक है, और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, यानी ध क्या है आपका, ये जो होते हैं ये सघोष होते हैं और ये जो है वो अघोष है। तो ध हमारा किस में आ गया, सघोष में। तो हमारी ये बात भी सही हो गई और ये बात भी सही हो गई, यानी ये ध जो है सघोष है और दंत है। महाप्राण को चेक करते हैं, महाप्राण जो होता है पहला तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा, तो ये चौथा क्या हो गया, ये महाप्राण है। तो ये भी सही हो गई, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, ब ब जो होता है ये ओष्ठ से बोला जाता है, देखिए ओष्ठ प फ ब, यानी ये ओष्ठ से बोला जाता है, ये चीज़ें सही हैं इसमें। फिर ब जो है महाप्राण है, महाप्राण को चेक कर लेते हैं, पहला तीसरा और पांचवा, यानी प फ ब, ये तीसरा व्यंजन है, यानी ये क्या हो गया, पहला तीसरा और पांचवा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे महाप्राण दिया हुआ है, जबकि ब क्या है, अल्प प्राण है, ब क्या है, अल्प प्राण है, तो ये गलत हो गया। फिर ब सघोष, यानी पहला दूसरा जो होता है वो अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है सघोष होता है, तो ब क्या है आपका, सघोष में आ गया। तो ये सही है, लेकिन आपका ये ब जो है महाप्राण नहीं बल्कि अल्प प्राण है। च को चेक कर लेते हैं, च जो है तालव्य से बोला जाता है, च पहला व्यंजन है, यानी पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, तो अल्प प्राण च आपका पहला है, तो ये सही हो जाएगा। फिर अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा, तो च हमारा पहला व्यंजन है तो अघोष है, ये भी सही है। ठीक है, ख को चेक कर लेते हैं, ख कंठ से बोला जाता है और अघोष, यानी पहला दूसरा,
पहला और दूसरा अघोष होता है, तो ख क्या है आपका दूसरा व्यंजन है, तो ये क्या है अघोष है, ये भी सही है। फिर महाप्राण, महाप्राण को चेक कर लेते हैं, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, यानी ये आपका ख महाप्राण है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है ये गलत है। ब क्या होता है, सघोष होता है, अल्पप्राण होता है और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई, ब का उच्चारण ओष्ठ से होता है लेकिन ये अल्पप्राण होता है ना कि महाप्राण, और ये सघोष होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आठवें का, आठवें का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है, पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है, आइए देख लेते हैं। पंचांग, पंचांग शब्द में, पंचांग जैसे देखिए पंचांग के ऊपर दो अनुस्वार है, हम जब अनुस्वार पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अनुस्वार को हम या तो जो पंचमाक्षर हमारे होते हैं, जो पंचमाक्षर हमारे होते हैं जैसे अंग, इय, ड, न और म, इन सबको हम एक अनुस्वार के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इन्हीं पंचमाक्षर को एक अनुस्वार रूप दे दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें, इस दोनों अनुस्वार में कौन सा व्यंजन प्रयोग किया गया है। अगर हम बोल के देखें पंग चांग, पंग चांग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले अनुस्वार में हो जाएगा इया। ठीक है, पहले अनुस्वार में हो जाएगा, यानी ये जो आपका वर्ण है च, च जो है इसी का पंचमाक्षर इसके आगे आया है, यानी ये जो च है इसी का पंचमाक्षर रूप अनुस्वार रूप में आया है, तो च के आगे हो जाएगा इय, और ग जो है ग, ग का जो पंचमाक्षर है वो अपने अनुस्वार रूप में आया है, तो ग का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा अंग, ग का पंचमाक्षर हो जाएगा अंग। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है पंचपांग, ये नहीं होगा, पंचांग, पंचांग ये भी नहीं होगा, तीसरा है पंचांग और चौथा है पंचांग, ये जो हमारा राइट आंसर होगा सी पंचांग। बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, इस ग को यहाँ न देके बल्कि यहाँ दे दीजिए, इस ग को यहाँ न देके इस ग को यहाँ दे दीजिए, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस अंग के नीचे एक हलंत लगा दिया है, इस अंग के नीचे एक हलंत लगा है इसलिए ये नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, पंचांग कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर है, चलिए आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, द्वित्व का, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि द्वित्व शब्द क्या होते हैं, द्वित्व शब्द मतलब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, द्वित्व शब्द क्या होते हैं, किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, एक आधा और एक पूरा, तो हम चेक कर लेते हैं इसको, सच्चा में, सच्चा में एक ही वर्ण दो बार आया है, एक आधा और एक पूरा। ठीक है, कुत्ता इस तरीके से लिखा हुआ है, कुत्ता को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आधा त और पूरा त। ठीक है, तो इसमें भी द्वित्व है। तीसरा चेक करते हैं पतंगा, और चौथा जो है बग्गा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी पतंगा में द्वित्व शब्द नहीं है, यानी इसमें एक ही वर्ण दो बार नहीं आया है, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दो गुना समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, प्लुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर। पहली चीज तो जान लेते हैं कि ये मूल स्वर और लघु स्वर दोनों एक ही होते हैं। वर्ण में हम लोगों ने जब स्वर को पढ़ा था तो स्वर के भेद में पढ़ा था कि एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर होता है। ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि स्वर के भेद में एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है।
तो मूल स्वर ही लघु स्वर है। मूल स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर जो होते हैं इनमें तीन मात्रा का, यानी इसमें तीन मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तीन मात्रा का। गुरु स्वर दो मात्रा का, गुरु स्वर दो मात्रा का। मूल स्वर और लघु स्वर एक ही होते हैं, दो मूल स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हमें प्राप्त होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा जिन स्वर को उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दो गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, उनको हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। यानी जिन स्वरों को बोलने में मूल स्वर या लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि दंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं। दंत में हमारा आता है त वर्ग, यानी त, थ, द, ध, न, और उसके अलावा एक आता है श, जिसे हम दंत श बोलते हैं। ऑप्शन अपना चेक कर लेते हैं, पहला है श, दूसरा है प, तीसरा है ट और चौथा है ह। तो त वर्ग तो इसमें कहीं है नहीं, ठीक है, प भी नहीं है, ह भी नहीं है और ट भी नहीं है, बचा हमारा क्या, श, जिसे हम दंत श बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा स, यानी 12वें का जो राइट आंसर होगा ए, श जो है वो दंत से उच्चरित किया जाता है इसलिए इसे दंत श बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? इसको मैंने कई बार आपको बता दिया है कि अनुनासिक और नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। हर वर्ग का पंचमाक्षर, यानी हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक या नासिक के होता है, जिसको हम नाक से उच्चरित करते हैं। चेक कर लेते हैं, प जो ये हमारा क्या है, प वर्ग, ब और श, ये पंचमाक्षर तो है नहीं, ठीक है, पंचमाक्षर हमारा म है जो प वर्ग में आता है, प, फ, ब, भ और म, तो ये म क्या है हमारा, पंचमाक्षर है, और पंचमाक्षर को ही हम अनुनासिक या नासिक के व्यंजन बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी म जो है हमारा अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर, अनुनासिक या नासिक के बोलते हैं इसको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों को, अभी जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया तो उसमें दो क्वेश्चन दो टाइप से पूछे हुआ था कि लिखित ध्वनि और मौखिक ध्वनि, लिखित ध्वनि और मौखिक ध्वनि। तो मैंने आपको बताया कि ध्वनि जिसको सिर्फ हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, बल्कि लिख नहीं सकते, और वर्ण क्या होता है जिसको हम लिख सकते हैं और देख सकते हैं। तो बस वही पूछ रहा है हमसे कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लिपि बोलते हैं। लिपि यानी जिन चिन्हों को हम लिखते हैं वर्ण रूप में वो क्या होते हैं, वो लिपि होते हैं। और हमारी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हमारी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो हमारा 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिपि। अगला क्वेश्चन है 15वां, ई ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से और ओष्ठ से। अभी मैंने पूरा डायग्राम बनाया था उच्चारण स्थान का कि क वर्ग कहाँ से बोला जाता है, च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इतनी बार ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं कि अब तो कम से कम आपको याद ही हो चुका होगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, ई ई च छ ज झ य, च वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, होता है तालव्य से। तालव्य में देखिए कौन कौन से आते हैं, तालव्य में, तालव्य में आपका आता है च वर्ग, यानी च छ ज
झ और ञ। इसके अलावा आता है छोटी ई, बड़ी ई, उसके अलावा य और श। इसके अलावा आता है श। ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं, यानी ये जो इतने व्यंजन आपको दिख रहे हैं वो तालव्य से बोले जाते हैं, यानी च छ ज झ ञ ई और य श, ये तालव्य से बोले जाते हैं। इसका एक सूत्र होता है आसान सा याद करने के लिए, ई चु यशा नाम। ई चु यशा नाम अगर इसको आप लिखेंगे, ई चु य शा नाम, ठीक है। ई चु यशा नाम का मतलब, ई का मतलब कि दोनों ई आपके आ गए इसमें, ठीक है। च का मतलब कि पूरा च वर्ग आ गया इसमें, और य आपका इसमें आता है और श आता है। तो ये क्या हो गए, तालव्य से बोले जाने वाले ये इतने व्यंजन होता है। इसका एक सूत्र है ई चु यशा नाम, इसको अगर याद रखेंगे तो तालव्य से उच्चरित किए जाने वाले सारे व्यंजन आपको याद रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें का, 15वें का हो जाएगा सी, तालव्य। अगला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग पूछ रहा है। महाप्राण मैंने आपको बताया कौन सा है, महाप्राण और अल्प प्राण, और अल्प प्राण। ये तो चीजें इतनी बार बता चुकी कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि अल्प प्राण में क्या आता है, पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा। तो चेक करते हैं, ख क्या है, दूसरा वर्ग है, च छ दूसरा वर्ग है, ट ठ दूसरा वर्ग है, ठीक है। तो हमें मिल गया हमारा महाप्राण में दूसरा और चौथा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको आंसर को चेक करना है अच्छे से तो देख लीजिए, त थ द ध ये हमारा चौथा है, च पहला है और अंग, और ड ड जो है ट ठ ड ये हमारा तीसरा है, तो ये नहीं होगा। म श ये पांचवा है, श जो है तीनों श आते हैं इसमें, ये भी नहीं होगा। त थ द ध ये चौथा है, फिर य द ळ, यानी हमसे महाप्राण पूछ रहा है, तो महाप्राण का मतलब महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, दूसरा और चौथा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ख भी दूसरा है, छ भी दूसरा और ठ भी दूसरा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 16वां का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ख छ और ठ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि, यानी इसमें आपसे पूछ रहा है कि कोई एक व्यंजन ऐसा है, कोई एक व्यंजन इन चारों ऑप्शन में ऐसा है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। स्पर्श व्यंजन, एक तो पहले कि ये चारों ही आपके स्पर्श व्यंजन है, चारों ही स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, क ख ग घ, ठीक है। अब इसमें से आपको निकालना है कंठ ध्वनि, दूसरी चीज की कंठ भी क ख ग घ, कंठ से ये चारों बोले जाते हैं। अब आपको ढूंढना है अघोष और महाप्राण, तो अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा, और महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा। चेक कर लेते हैं, क जो है हमारा पहला है, ये नहीं होगा। ग जो है तीसरा है, ये भी नहीं होगा। ख जो है दूसरा है, ख जो है दूसरा है, यानी ये आपका अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ख जो है वो स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष है और महाप्राण है। तो 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, घर्षण से उच्चरित व्यंजन, घर्षण से यानी ऐसा कोई व्यंजन है इसमें जिसको उच्चारण करने में या जिसको उच्चरित करने में मुख से बोलने में मुख से घर्षण होता है, ठीक है। कौन सा व्यंजन है, चेक कर लेते हैं, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन आप जानते हैं कि स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं क से म तक, और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख में स्वर तंत्रियाँ होती हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष, इनको हवा कहीं ना कहीं से छूते हुए मुख से निकलती है, ठीक है, तो इनमें कोई घर्षण नहीं होता। दूसरा होता है अंतस्थ, अंतस्थ होता है य व र ल, इन व्यंजनों में भी कोई घर्षण नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है उष्म, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उष्म होता है तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, ये होते हैं आपके उष्म व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल और व।
ऊष्म व्यंजन को हम जानते हैं कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से घर्षण होता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, घर्षण से उच्चरित होने वाले व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन। जब हम तीनों श का उच्चारण करते हैं श श, तो मुंह से क्या होता है, मुख में घर्षण होता है और मुख से ऊष्मा यानी गर्म वायु निकलती है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, घर्षण से उच्चरित होने वाला व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। तीनों श जो होते हैं ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, कौन सा स्वर संवृत है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख द्वार खुलने के आधार पर एक स्वर का एक भाग होता है जिसमें मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को विभाजित किया गया है, जिसमें चार प्रकार होते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है, उसमें होता है आपका विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है आ, दूसरा है अ, तीसरा है ई और चौथा है ए, ठीक है। संवृत का मतलब होता है, संवृत को अगर हिंदी में देखा जाए तो संवृत का मतलब होता है लगभग बंद, लगभग मत का मतलब कि स्वरों में कोई ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में मुख लगभग बंद होता है। संवृत का मतलब क्या होता है कि मुख लगभग उन वर्णों के उच्चारण में मुख बंद होता है। तो चेक कर लेते हैं हम, आ, आ को जब हम बोल रहे हैं तो मुख पूरा खुल रहा है, ठीक है। अ को जब हम बोल रहे हैं अ, तो पूरा तो नहीं खुल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत खुल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ जो होता है हमारा ये अर्ध विवृत होता है, अ जो होता है हमारा ये अर्ध विवृत होता है, ठीक है। आ जो होता है वो विवृत होता है, विवृत का मतलब होता है खुलना, विवृत का मतलब होता है खुलना। तो आ के उच्चारण में क्या होता है, मुख पूरा खुलता है, इसलिए ये विवृत स्वर होता है। और जो होता है पूरा नहीं खुलता है, थोड़ा उससे कम खुलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्ध विवृत। और ई, ई जो होता है ई ई ऊ, यानी इसके अलावा ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये जो होते हैं ये संवृत स्वर होते हैं, ये जो होते हैं वे संवृत स्वर होते हैं, संवृत स्वर। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, संवृत ही हमसे पूछ रहा है ना। संवृत का मतलब होता है कि मुख लगभग बंद रहता है उसके उच्चारण में। तो कौन सा ऐसा स्वर है जिसके बोलने में हमारा मुख लगभग बंद हो रहा है, ई, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, ई जो है हमारा संवृत स्वर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, यानी जब किसी भाषा का निर्माण होता है तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे पहला है शब्द, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है पद और चौथा है वाक्य। पहले जान लेते हैं कि भाषा के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, भाषा में सबसे पहले कोई ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है। जब तक हमारे पास कोई ध्वनि नहीं होगी उनको हम लिखित रूप नहीं दे सकते, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि होना चाहिए। ध्वनि को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ण, ठीक है, वर्ण। कई वर्णों के मिलने से एक शब्द बनता है, कई वर्णों के मिलने से एक शब्द बनता है, शब्द बनता है, और कई शब्दों के मिलने से एक वाक्य बनता है, कई शब्दों के मिलने से एक वाक्य बनता है। तो हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं, पहला है शब्द ये नहीं होगा, दूसरा है शब्द ये भी नहीं होगा, तीसरा है पद। पद को हम समझ लेते हैं कि पद क्या होता है, हमने जो लिखा है पहले ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द। जो शब्द होता है अगर स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को रखा जाता है, किसी शब्द को रखा जाता है, तो वो तब तक शब्द रहता है जब तक कि उसका प्रयोग वाक्य में नहीं हो जाएगा। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वो शब्द ना होके वो पद हो जाता है, ठीक है। जब तक किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है तब तक वो शब्द रहता है, जब उसका प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले देखिए हमें ध्वनि चाहिए, ठीक है। ध्वनि के बाद हमारा जब उसको हम लिखित रूप दे देते हैं तो वर्ण हो जाता है,
मान लीजिए ध्वनि और वर्ण दोनों ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो कई ध्वनि के मिलने से एक शब्द बनता है, ठीक है, शब्द बनता है। शब्द के बाद वाक्य बनता है, लेकिन पद तब होता है जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो पहले पद ही आएगा हमारा, क्योंकि जब शब्द में जब वाक्य में किसी शब्द को प्रयोग करेंगे तब वो पद होगा, तब जाके हमारा ये वाक्य पूरा होगा। तो हमारा जो सही क्रम होगा वो यही होगा कि पहले ध्वनि होगा, फिर शब्द होगा, फिर पद होगा, फिर वाक्य होगा। यानी शब्द, किसी एक शब्द को हम अकेला तो बना नहीं सकते, जब तक कई शब्द नहीं मिलेंगे तब तक हमारा वाक्य नहीं बनेगा। तो सही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, सही क्रम हमारा हो जाएगा डी, यानी पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, ठीक है। तो हमारा जो 20वें का राइट आंसर होगा वो डी होगा, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है। तो आज के ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, जो पिछले के क्वेश्चन से थोड़े से लेवल ऊपर रखे गए थे। आपको कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो इससे थोड़े से हाई रहेंगे, लेवल थोड़ा सा इससे और ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप लोग ग्रामर पोर्शन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, ठीक है। उन चीज़ों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके सामने प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।